एक कक्षा के मूल्यांकन के अंकों को सारणीबद्ध किया गया है। यहाँ पर हमें उच्चतम अंक, निम्नतम अंक और माध्य ज्ञात करना है। तो अंक दिए हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7। सर्वप्रथम इन अंकों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले आरोही क्रम में छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर एक, सिर्फ एक बार है तो एक आ जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं दो, तो एक दो दो, यहां पर दो 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 बार है। अब तीन, तीन है एक, एक बार ही तीन है। इसके बाद चार, एक दो तीन, तीन बार चार है। इसके बाद पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच बार पांच पांच है। इसके बाद छह आता है, तो छह एक दो तीन और चार, चार बार छह। इसके बाद सात है, एक और एक दो बार, आठ एक बार है और नौ भी एक बार है। हमने इन अंकों को जो है वो आरोही क्रम में यहां पर व्यवस्थित कर लिया है। अब हमें एक सारणी बनानी है। सारणी बनेगी अंक, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या। यहां पर हम कॉलम बनाएंगे। अंक हमें प्राप्त है एक से लेके नौ तक, विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ। मिलान करेंगे, एक मिलान इस प्रकार करना है हमें, एक एक बार है, दो एक दो बार है, तीन एक बार है, चार तीन बार, एक दो तीन, पांच पांच बार है, तो एक दो तीन चार और पांच, छह चार बार है, एक दो तीन चार, सात दो बार है, एक दो आठ एक बार है और नौ, तो एक एक और दो, एक तीन पांच चार दो एक और एक। इस प्रकार ये बारंबारता सारणी हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इस बारंबारता सारणी की सहायता से हम इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न पूछे गए, उनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब इनमें उच्चतम अंक पूछा गया है, तो उच्चतम अंक है एक से लेकर नौ तक में सबसे बड़ा अंक नौ है तो नौ। निम्नतम अंक अर्थात सबसे छोटा अंक है एक। माध्य पूछा है, तीसरा सवाल पूछा है इन अंकों का माध्य, तो सबसे पहले सूत्र लिखना है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों के योग में आएगा एक प्लस दो प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस चार प्लस चार प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस छ प्लस छ प्लस छ प्लस छ प्लस सात प्लस सात प्लस आठ और नौ। अर्थात इन सभी अंकों का योग करके उसमें प्रेक्षणों की संख्या अर्थात एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। तो प्रेक्षणों का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 100। प्रेक्षणों की जो संख्या आ रही है वो 20। 100 बटा 20, 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 इन अंकों का माध्य यहां पर प्राप्त हो जाएगा।